एसएससी जीडी की जो है वो फॉर्म आ चुकी है, और इसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग जो है ये वीडियो है, और आपका डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, आपका ईडब्ल्यूएस कब तक का बना होना चाहिए, वो पूरी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो है 14/10/2024, तो आप जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट भी इस डेट से पहले का होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि क्या गाइडलाइंस है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे जो है वो अगर आप पेज नंबर 7 में आओगे तो पेज नंबर 7 में जो है वो यहाँ क्लियरली मैंसनड है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो पर्सन जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहता है ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे, तो उसके पास एक वैलिड जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बेसिस पे बना हुआ, और ये जो है वो वैलिड फॉर 24-25 और बेस्ड ऑन इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो ये फॉर्मेट होता है, मैं आपको अपना आपको ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इस फॉर्मेट को देखो आप, तो इस फॉर्मेट में जो है वो यहाँ वैलिड ईयर होता है, तो वैलिड ईयर में यहाँ पे लिखा रहेगा 2024 से 2025, और ये जो है फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे लिखा रहेगा 2023 से 2024, ऐसा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो आपका डेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ओके दिस और लेटर, इसके बाद का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट 1/4/2024 से पहले का है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आप जो है वो उस वीडियो को देख लेना अगर आपकी कोई भी डाउट होती है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनता है, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, आप ऑनलाइन बनवा सकते हो या ऑफलाइन ही ज़रूरी है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लेना। अब देखो यहाँ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहां पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर कब तक का है, और आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा और भी अच्छे से बता दूँ कि देखो आपका सर्टिफिकेट, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले ले रहे इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2024, और क्रूशियल डेट बिफोर, ये जो है वो बिफोर, इससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर किसी कारणवश लेट हो जाती है तो आप जितना जल्दी हो सके अभी सर्टिफिकेट बनवा के रख लो ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और उसमें वैलिड ईयर ये लिखा रहेगा, फाइनेंशियल ईयर ये लिखा रहेगा। अगर आपका ओल्ड सर्टिफिकेट है तो क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 या फिर उससे पहले का बना हुआ है तो वो सर्टिफिकेट बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए ताकि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि ये जो है वो शॉर्ट में बात आपको मैंने समझा दी। और इसके बाद एक चीज़ और समझो कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपके पास जो है वो उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। ये जो क्लॉज नंबर 69 है इसको आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो क्लियरली मैंसनड है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो स्टेट यूनियन टेरेटरी वाइज होती है, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर पीआरसी सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट का या फिर डिस्ट्रिक्ट जिस पे मतलब जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे। और अगर आपने माइग्रेट किया है तो उसके लिए अलग गाइडलाइंस है, उसके रिगार्डिंग मैंने अलग वीडियो बना दिया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो आप उसे चाहे तो देख सकते हो। और आसाम में जो है वो अगर आप आसाम से बिलोंग करते हो तो आसाम में जो है वो अभी यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आसाम के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा चिंता न करें, उन्हें जो है वो डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देनी है, लेकिन अदर स्टेट यूनियन टेरेटरीज़ के कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मीन्स अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और यूपी का आपके पास
डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, और रिस्पेक्टिवली ये बात जो है वो सभी पे लागू होती है। लेकिन अगर आप माइग्रेट करते हो तो उसका अलग क्राइटेरिया है। अगर आप माइग्रेट किया है आपने, लेट सपोज कि आपने यूपी से एमपी में माइग्रेट किया है, तो यूपी का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, और एमपी का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ओके, तो ये जो है वो चीज़ें लागू होती हैं। और फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं पता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दी है, आप उसे चाहे तो देख लेना। आपने अगर एसएससी जीडी की फॉर्म फिलअप की है या फिर करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए जो है वो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जो है वो टेस्ट बुक ऐप से अपनी जो है वो तैयारी कर सकते हो। टेस्ट बुक ऐप है, ऐप भी है, और इसे जो है वो आप वेबसाइट पे भी चला सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप जो है वो ऐप में गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना, और या फिर आप जो है वो अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसमें लैपटॉप से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल जो है वो अराउंड 901 टोटल टेस्ट हैं, और 26 टेस्ट्स फ्री हैं। तो अगर अभी आपने इसका टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप फ्री में जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स जो है जो अभी करेंटली एक्टिव हैं, और यहाँ पे आप जो है वो देखोगे कि 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो आप अटेम्प्ट्स कर सकते हो। और यहाँ पे जो है वो आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे PYQ आपको मिलेगा, और साथ में मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और सेक्शनल टेस्ट्स भी हैं। तो अगर मैं PYQ की बात करूँ तो PYQ जो है वो आप देखोगे कि टोटल जो है वो 2000 कितने साल का है आपके पास, 19, 21 और 22, 23 और 24। ओके, तो 3 से 4 साल का आपके पास बहुत ही अच्छा जो है वो एनालिसिस आपको मिल जाएगी। और ये जो 2024 में फरवरी में हुई है उसकी भी आप पे आपको पेपर मिल रही है। तो आप जो है वो इन सभी को अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट बुक ऐप से। और साथ ही जो है वो टेस्ट बुक का, लेकिन आपको जो है वो एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अगर आप जो है वो फुल फ्लेज्ड इसकी तैयारी करना चाहते हो। तो उसके लिए जो है वो टेस्ट बुक पास प्रो आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो इसकी जो है वो प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बता दूं, तो देखो इसका जो है वो लाइफ टाइम यानी कि ऑफर जो है वो चलते रहता है। ये जो है वो 3 साल के लिए है, और ये एक ईयर वाला है। तो एक ईयर वाला आप मत लेना, क्योंकि इसमें आपको जो है वो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम डिले हो गई या एक्सटेंड हो गई, तो आप जो है वो प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए 3 साल वाला लेना आपके लिए रिकमेंडेड रहता है। और एक बेनिफिट और रहती है कि आप जो है वो अदर एग्जामिनेशंस की भी इस ऐप से प्रिपरेशन कर सकते हो। एक बार अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसका अगर आप जो है वो ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर दोगे JBYY16, तो आपको जो है वो 10-20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है वो ये कूपन कोड भी अप्लाई करके देख सकते हो, आप जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो पास प्रो ले लेना, ओके, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो। और अगर आप जो है वो इसकी सुपर कोचिंग लेना चाहते हो तो वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन पास प्रो तो टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखो यहाँ पे आप SSC की जितनी एग्जामिनेशन है वो सब भी कर सकते हो, और साथ ही जो है वो अगर आप डिफेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी एग्जामिनेशन की भी आप जो है वो टेस्ट सीरीज देख सकते हो। सो बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप जो है वो प्रिपरेशन फेज में हो और टेस्ट सीरीज का एक सेट चाहिए, तो आप जो है वो 3 ईयर्स का एक बार पास परचेज करके और जितने एग्जामिनेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी एग्जामिनेशंस की आप जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।